आज हम मिस स्लिपरी के मार्जिन क्वेश्चन से आंसर देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई कुड द नोटबुक हैव फॉलन फ्रॉम सैलीज हैंड। सैली के हाथ से नोटबुक क्यों गिर गई होगी, क्यों गिर गई होगी? क्योंकि वो डर गई थी। द टीचर शाउटेड ऑन सैली एंड हर एंग्री लुक्स मेड सैलीज लेग्स ट्रेम्बल सो द नोटबुक्स कुड हैव फॉलन फ्रॉम हर हैंड्स। टीचर उस पर चिल्लाई थी और उसके एंग्री लुक्स यानी टीचर की नाराज़गी से देखने की वजह से सैली के पैर लड़खड़ाने लगे थे, इसलिए उसके हाथ से नोटबुक गिर गई होगी। इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन का आंसर लिखे। क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाट हैपन्ड व्हेन इट वाज सैलीज टर्न टू आंसर। जब सैली का की बारी आई जवाब देने की, जो क्वेश्चन टीचर ने पूछे था, तो क्या हुआ, क्या हुआ था? सैली वेंट ब्लैंक व्हेन इट वाज हर टर्न टू आंसर। सैली सब कुछ भूल गई थी जब उसको उसकी बारी आई थी जवाब देने की। शी स्टूड देयर स्टिफ स्टिल विथ हर हेड हैंगिंग डाउन इन शेम। वो वहाँ पर खड़ी थी, एक जगह सिर्फ खड़ी हुई थी और उसने अपना सर शर्मिंदगी से नीचे झुका लिया था। क्वेश्चन नंबर थ्री है, व्हाट डिड सैली लॉन्ग फॉर फ्रॉम हर मदर। सैली अपनी माँ से क्या चाहती थी, वो क्या चाहती थी कि उसकी माँ उसके साथ क्या करे, कब, जब वो गिर गई थी। आंसर है, सैली लॉन्ग्ड फॉर फ्रॉम हर मदर दैट शी शुड होल्ड हर एंड कंसोल हर। तो सैली चाहती थी कि उसकी माँ उसे तसल्ली दे और उसे हग करे, उसे अपने गले से लगाए और उसे कंसोल करे यानी तसल्ली दे। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाई डिड सैली बिगिन क्राइंग अगेन। सैली फिर से क्यों रोने लगी, क्यों रोने लगी थी? तो आंसर हमने इसका इस तरह से लिखे कि सैलीज यंगर ब्रदर सैट बिसाइड हर placed his little hands on her arm and whispered, are you in great pain? तो सैली का छोटा भाई उसके बाजू में बैठा और अपने छोटे से हाथ उसके बाजू पे रखा और पूछा कि क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है। तो she was overwhelmed with emotions and began crying again. तो वो जज्बात से बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी और वो फिर से रोने लगी। क्वेश्चन नंबर फाइव, by what name did the girls tease सैली। सैली को लड़कियाँ किस नाम से चिढ़ाती थी, किस नाम से चिढ़ाती थी? आंसर, द गर्ल्स टीज्ड सैली विद द टाइटल स्लिपरी। लड़कियां उसको स्लिपरी नाम के टाइटल से चिढ़ाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट वाज सैली टोल्ड टू डू बाय टीचर। टीचर ने सैली को क्या करने के लिए कहा था? आंसर लिखे हमने इसका, टीचर टोल्ड हर टू सी हर इन द टीचर्स रूम आफ्टर द क्लास। टीचर ने सैली को क्या कहा था कि क्लास ख़त्म होने के बाद वो टीचर्स रूम में टीचर से आकर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट टू रिलेशनशिप्स डिड द टीचर ऑफर सैली। टीचर ने सैली को कौन सी दो रिलेशनशिप्स ऑफर की थी यानी उससे कौन से दो रिश्ते बनाए थे? तो आंसर है, टीचर ऑफर्ड सैली द रिलेशनशिप्स ऑफ एल्डर सिस्टर एंड ए फ्रेंड। टीचर ने सैली को बड़ी बहन का और फ्रेंड का रिलेशनशिप ऑफर किया था यानी वो अपने आप को सैली की बड़ी बहन और फ्रेंड कह रही थी। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाई डिड सैली फील लाइक रिजॉइसिंग ए लॉट। सैली को ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाएं? इसका आंसर हमने लिखे कि सैली फेल्ट लाइक रिजॉइसिंग ए लॉट बिकॉज नेवर बिफोर हैड एनीवन लेविश्ड लव ऑन हर दस। यानी इस तरह से कभी उससे किसी ने इतनी मोहब्बत नहीं की थी। एंड देयर वाज हर टीचर हु हैड स्पॉन्टेनियसली एक्सेप्टेड हर एज ए सिस्टर एंड ए फ्रेंड। और यहाँ उसकी टीचर जो थी उसे एक बहन और एक दोस्त के तौर पर कबूल कर रही थी, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा खुशी मनाने का दिल कर रहा था। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हर आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से लिख सकें। क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाउ डिड सैली रिएक्ट दिस टाइम टू द टीजिंग। इस बार टीजिंग को सैली ने किस तरह से रिएक्ट किया, टीजिंग जब लड़कियां उसको छेड़ रही थी तो सैली ने उनको किस तरह से रिएक्ट किया।
आंसर। दिस टाइम सैली टर्न्ड हर बैक एंड इग्नोर्ड द गर्ल्स कम्प्लीटली। इस बार सैली ने उनकी तरफ से पलट गई, पीठ दिखा दी उनको और उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, नज़रअंदाज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिड द टीचर गिव सैली। टीचर ने सैली को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी थी। आपके क्लास में भी मॉनिटर को टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते होंगे, तो आंसर लिखिए हमने, द टीचर गिव सैली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग द रजिस्टर चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग। टीचर ने सैली को रोजाना हर सुबह रजिस्टर चॉक और डस्टर लाने की जिम्मेदारी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ग्रेट चेंज हैड कम ओवर इन सैलीज हार्ट। सैली के दिल में कौन सी बड़ी तब्दीली आई थी। तो आपने स्टोरी में समझे होंगे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया था और वो बहुत खुश हो गई थी, तो इसकी वजह से उसके दिल में क्या तब्दीली आई थी, इसका आंसर हमको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम उसका आंसर। आंसर लिखे हमने, सैली वॉज थ्रिल्ड फ्रॉम टॉप टू टो। यानी सैली सर से लेके पैर तक उसमें थ्रिल आ गया था, जोश भर गया था। शी फेल्ट हर लिटिल हार्ट वॉज इन्फ्लेट विथ प्राइड। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल बड़ा हो गया है। शी फाउंड नो ऑकवर्डनेस इन मूविंग अबाउट इन हर स्टिल वेट फ्रॉक। और जो उसका फ्रॉक अभी भी गीला था उसमें भी उसको चलने फिरने में कोई ऑकवर्डनेस महसूस नहीं हो रही थी। नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस ऑफ फियर व्हाइल रिटर्निंग होम। और जब वो घर आ रही थी वापस, तब भी उसके दिल में ज़रा बराबर भी डर और खौफ नहीं था। ये तब्दीलियाँ उसके दिल में आई थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश वर्कशॉप देखेंगे।